के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत पतिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंभ राशि वालों का प्रेम प्रणय के क्षेत्र में उनके संबंध कैसे होंगे इस बारे में चर्चा करेंगे, उनके विवाहित जीवन कैसा होगा, तो संबंधों की दुनिया में 2021 में उनके जीवन में क्या हलचल होगी इस बारे में चर्चा करेंगे। 2021 की बात करते हैं तो प्रेम के संबंधों में ये लोग लकी माने जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी अड़चने आने की संभावना है, यानी फरवरी महीने तक थोड़ी सी अड़चन आने की संभावना है। आपके जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विवाद भी होने की संभावना है। और जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप अपने विवाद को सुलझाने के लिए कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा ना लें। आप एक दूसरे साथ में बैठकर अपने विवाद को सुलझा लें, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखें। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो संबंध ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। इसके अलावा जो प्रपोज करना चाहते हैं 2021 में, जनवरी फरवरी ये 2 महीना छोड़ दें, तो इसके बाद अगर किसी को प्रपोज करते हैं तो 100% सफलता मिलने के चांसेस हैं और वो जो संबंध होंगे ज़्यादा समय के लिए होंगे, तो उस मजबूत संबंध को टिकाए रखने के लिए आप मार्च महीने से दिसंबर महीने के बीच में प्रपोज कर सकते हैं। आपका पार्टनर 2021 में अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके आपके मन को हमेशा प्रसन्न बनाए रखेगा। इससे आपका जो प्रणय जीवन है सुखकारक रहेगा, आनंदमय रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की जरूरतों को आप दोनों महसूस करने लगे हैं और उसके हिसाब से आप दोनों का व्यवहार होता है, बर्ताव होता है, तो इसकी वजह से एक दूसरे से लोग खुश रहते हैं। इस खुशी में आप अपने संबंधों को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे, यानी वैवाहिक जीवन में जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन 2021 में वो संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी। 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनका विवाह 2021 में होगा, बाकी 90% लोगों का विवाह 2022 में होगा। यानी ऐसा नहीं कि आप कोई कोशिश नहीं करेंगे, आप पूर्ण कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में आती रहेंगी, कुछ अड़चने बीच में आती रहेंगी, तो आपकी जो इच्छा है 2022 में पूरी होगी विवाह का, लेकिन इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो विवाहित जीवन में है 2021 उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या की बात नहीं है। पार्टनर एक दूसरे से खुश रहेंगे, एक दूसरे से तृप्त रहेंगे, कहीं किसी चीज़ पर विवाद की संभावना नहीं है। अगर विवाद होता है तो उसका कारण पारिवारिक लोग हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कोई विवाद होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए परिवार के लोगों के साथ अगर जब आप व्यवहार करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो सोच समझ के बात करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी भावना शुद्ध होती है लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से ले लेता है, इससे परिवार में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। और परिवार में अगर मनमुटाव शुरू हो जाता है तो वो विवाद जाके सीधा पति पत्नी के आपसी संबंधों में शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि जब भी आप परिवार से बात करें तो सोच के बात करें क्या आपके मुंह से निकल रहा है, और उसका लोग अपने तरीके से अर्थ लगाएंगे, इसलिए सोच समझकर बात करने की कोशिश करें। बाकी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि नुकसान हो या बहुत ज़्यादा डैमेज हो, छोटे मोटे विवाद को छोड़कर। संतान सुख की बात करते हैं तो 2021 में जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी प्रथम संतान कन्या होगी। ऐसा नहीं कि पुत्र संतान नहीं होगा, प्रथम ऐसा नहीं है, लेकिन उसका परसेंटेज सिर्फ 10% ये है कि पुत्र संतान होगा, 90%
कन्या संतान होगी, और जो संतान होगी आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति, समझने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी और कुछ भी विशेष समस्या नहीं रहेगी। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका प्रेम संबंध व जिनका विवाहित संबंध सही तरीके से नहीं चल रहा है, कुछ विवाह चल रहे हैं, कुछ अड़चनें आ रही हैं, अलग होने की नौबत आ रही है, इस तरह की कुछ अड़चनें अगर आ रही हैं तो उसके लिए विशेष मंत्र है, वो मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय कात्यायने फट, ओम शम शनिश्चराय कात्यायने फट। मंत्र याद रखिए ओम शम शनिश्चराय कात्यायने फट। मैं फिर से एक बार कहता हूँ ओम शम शनिश्चराय कात्यायने फट। इस मंत्र का जाप करें, नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। कोई विधि विधान नहीं है कि इतने माला जपो, लेकिन नियमित एक आदत बना लीजिए कि ये मंत्र का जाप करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप से, आपके रिलेशनशिप में वापसी हो रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। आशा करता हूँ 2021 का आपका रिलेशन लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका विवाहित जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद।